अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परवनी जिले में लगातार बारिश के कारण पाथरी तहसील के हदगांव में बाढ़ की स्थिति देखकर पंचनामे करते हुए जल्द से जल्द मदद की घोषणा की जाए, ऐसे मांग का निवेदन पाथरी तहसीलदार को आज तारीख 6 सितंबर 2021 सोमवार के रोज दोपहर के दरमियान जमीयत उलमा हिंद की ओर से शाखा पाथरी की ओर से दिया गया है। दिए गए निवेदन में कहा है कि 31 अगस्त 2021 मंगलवार के रोज आई हुई जोरदार बारिश से हदगांव नकाते तहसील पाथरी तहसील के नागरिकों के बहुत नुकसान हुआ है। उसमें अनाज, संसार इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ें, जानवर का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। घरों में घुसे हुए पानी से नागरिकों की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में शासन और प्रशासन स्तर पर नागरिकों को दिलासा देना जरूरी है। उसके लिए जिस नाले का पानी गांव में घुस रहा है, उस नाले को साफ करते हुए उसकी चौड़ाई की जाए, सरकारी मदद तुरंत दे, घरों में पानी घुसने से गुम हुए मौसूली सरकारी शिक्षा के कागजात तुरंत देने की उपाय योजना करे, इस तरह की मांग जमीयत उलमा हिंद शाखा पाथरी की ओर से तहसीलदार को दिए हुए निवेदन में की गई है। इस निवेदन पर मौलाना खमरुद्दीन नदवी, मौलाना मुजाहिद यासिन खान पठान, शेख हाशम, हाफिज इलियास, शेख अजहर, मौलाना एजाज, हाफिज अली आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। पाथरी की जानिब से आज तहसील में तहसीलदार साहब को एक मेजर दिया गया, जिसके अंदर हम तहसीलदार साहब से ये मुतालबा किए कि हदगांव के अंदर जो 21 तारीख को तूफानी बारिश होने की वजह से जो घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, उसकी एक अहम वजह ये बनी कि वहाँ पर जो नाला है, नाला एकदम काफ़ी दुश्वार हो गया। वहाँ पर झाड़े आने की वजह से पूरा पानी गाँव में घुस गया। हम उससे मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द उस नाले को कुशादा करें। और गाँव में अभी तक पंचनामा तो हो चुका है, मगर उनके मदद नहीं मिली, उनको जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए। और इसी तरह जो स्टूडेंट्स है, जो तालिब इल्म थे, उनके कागजात, टीसी वगैरह जो भी अहम कागजात थे, वो भी ज़ाहिर हो चुके हैं, उनको दोबारा डुप्लीकेट बनाकर दिया जाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बोरी के करीब एसटी महामंडल की बस पलटी, ड्राइवर के साथ 7 यात्री जख्मी। रास्ते के कारण बस ने 3 पलटी लेकर 10 फुट नीचे जा गिरी। एसटी महामंडल की बस आज तारीख 6 सितंबर 2021 सोमवार के रोज जिंतुर से परवनी आ रही थी। बोरी से 5 किलोमीटर दूरी पर महानुभव आश्रम के सामने सुबह 10 बजे के दरमियान बस क्रमांक MH 20BL 3494 ये कच्चे रास्ते से आ रही थी। परवनी जिले में लगातार बारिश के कारण यहाँ के कई सालों से रास्ते का काम चलने से यहाँ मुरुम कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जिसके कारण बस ड्राइवर से बेकाबू होने से बस 10 फुट नीचे जा गिरी। यात्रियों का कहना है कि बस ने 2 से 3 पलटियाँ खाकर इतनी दूर गिरी है। इस समय बस में 30 यात्री यात्रा कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में जानहानि नहीं हुई है, लेकिन ड्राइवर के साथ 7 यात्री जख्मी हुए हैं, जिसमें ड्राइवर दत्ता नारायण घुगे, उम्र 45 साल, रहने वाले अंगल गाँव उसी के साथ। जख्मियों में जिंतूर के शेख आलू, उम्र 65 साल, संगीता युवराज कोड़ी, उम्र 23 साल, रहने वाली जिंतूर, जैबुन निसा बेगम, रहने वाले सेलू, आसिफा बेगम, रहने वाले सेलू उसी के साथ, शांताबाई बाबाराव कोड़ी, उम्र 45 साल, रहने वाले जिंतूर, मनकर्णाबाई लक्ष्मण वैद्य, उम्र 50 साल, ये रहने वाले मंठा, ये जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। परवनी के सरकारी अस्पताल में दुर्घटना में हुए जख्मियों को भर्ती किया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही PI शरद जराड़, PSI संजय वर्से, पंडित सिरसे जमादार किशन पतंगे ये घटनास्थल पर पहुंचे। उसी के साथ साथ एसटी बस डिपो के आगर प्रमुख, इनको भी जानकारी मिलने पर आगर प्रमुख VR चिमड़े के साथ यातायात के NT गावंडे, क्लर्क GK घुगे ये भी मौके वारदात पर पहुंचे। परवनी जिंतूर इस रास्ते का काम कर रहे कंपनियां बदलते जा रहे हैं, लेकिन यहां काम कई सालों से होता दिखाई दे रहा है। धीमे गति से काम चलने के कारण ये हादसा हुआ है। कीचड़ में रास्ता पार करते समय यह दुर्घटना हुई है, ऐसी वहां के जानकारों का कहना है। प्रवासी कितने होते हो? 30 होते का। जिंतूर उनका दिन निकालती थी? जिंतूर निकाली थी। बर कितने लोग जख्मी झाले? 5-7 ड्राइवरला? ड्राइवर सीरियस आहे। सीरियस आहे का? डोक्याला मार आहे। हां, आणि छातीला छाती धरून बसले, लागले म्हणून लागले मानले, आणि डोक्याला मार आहे। सीरियस आहे का पॅसेंजर पैकी? सीरियस नव्हते, पण नंतर ड्रायव्हर थोडे काय भरले आणखो असं आहे। आपण कोण सर? अतुल शिवलिंग कर्मचारी। बरं बरं।
रस्त्याचं काम मागील चार वर्षापासून चालू आहे आणि रस्त्यावरती जे तर ते व्यवस्थित काम करत नाहीत काय नाही आणि याच्यामध्ये कसं होतंय की मोटरसायकल किंवा पाऊस वगैरे पडला रस्त्यामध्ये जास्त चिखल वगैरे होते आणि त्याच्यामुळे ऍक्सिडेंटचे प्रकार वाढत आहेत. सेफ्टी वगैरे करत नाहीत काय नाही त्याच्यामुळे हे असे प्रकार घडत आहेत. दररोज दिवसाला म्हणजे एकतरी मोटरसायकलचा किंवा बाईकचा किंवा सायकलचा किंवा ऍटोचा म्हणजे इथं ऍक्सिडेंट होत आहे. हे असे प्रकार मध्ये चालूच येतात. मग कौसडी फाटा आज घटना कधी घडली आता ही घटना मला वाटते सकाळी एक तास झाला असेल म्हणजे सकाळी 10 किंवा 10:30 दरम्यान ही घटना घडलेली. चांदच हे प्रकार मध्ये असेल ते चालक 1988 मी जिंतूर आगारात काम करत असतो आणि नेहमीप्रमाणे मी आज माझी ड्युटी घेऊन परभणी जात होतो. परंतु त्या रस्त्यावर सतत काम चालू असल्यामुळे आणि रस्ता खड्डे कच्चा रस्ता असल्यामुळे चालण्यास जाण्यास त्रास होतो. अचानकच खड्ड्यामध्ये गाडी आदळली आणि कच्चं काम असल्यामुळे त्या कच्च्या कामावर सरकलं म्हणजे खड्ड्यामध्ये अशी जम हे झाली आणि कच्चा रस्ता असल्यामुळं घसरत गेली. गाडीमध्ये प्रवासी किती होते? 20. गाडीमध्ये प्रवासी किती होते? प्रवासी 30. 4 नंबर 4 का हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.